हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन द्वारा आपको यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो बनाकर दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहां से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको यहां से टेस्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, टेस्ट वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे लाना है। उसके बाद सिंपली आपको यहां पर इस पर दोबारा टैप कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसको टैप करने के बाद सिंपली आपको यहां से इसको हटा देना है। उसके बाद आपको यहां से अपने चैनल का जो भी नाम है उसका आपको यहां से फर्स्ट लेटर यहां पर डाल देना है। फ्रेंड्स, मैं यहां पर मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल सपोर्ट। सिंपली मैं यहाँ पर टेक्निकल सबसे पहला अक्षर टी लूँगा। तो फ्रेंड्स, टी लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ से ओके वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ओके वाला आइकन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली इसको बड़ा कर लेना है। इस पर का यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से ए वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ए वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इस तरह इसको यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद सिंपली आपको यहां से जो ए बी लिखा है फॉन्ट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फिर इसको नीचे थोड़ी स्क्रॉल करेंगे, आप यहां से मन चाहें यहां से फॉन्ट चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहां से अपना फॉन्ट चूज कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, फॉन्ट चूज करने के बाद सिंपली आपको यहां से ओके वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने यहां पर टेक्निकल का यहां पर टी मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद सिंपली मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको फिर से यहां पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, प्लस वाला आइकन पर क्लिक बाद सिंपली फिर से यहाँ आपको टेस्ट वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, फिर इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से नीचे इसको लाना है। उसके बाद यहाँ पर दो बार यहाँ पर इस पर टाइप कर देना है। उसके बाद मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल सपोर्ट, तो मैं यहाँ पर सपोर्ट का यहाँ पर मैं कैपिटल एस ले लेता हूं। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर ओके वाला आइकन पर क्लिक कर मैं इसको यहाँ से फिर से इसको एडजस्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं इसके फॉन्ट को यहां से चेंज कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से ए वाला आइकन पर क्लिक करके फिर से मैं इसको फॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, फॉन्ट को चेंज कर लेते सिंपली आपको यहाँ से ए बी वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना जो लेटर लिखें उसके बाद इसको इसके फॉन्ट को चेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स, फॉन्ट को चेंज करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको इसको कलर को चेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी मनचाहा कलर है यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर चेंज कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके कलर को चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से इस तरह स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर एक कलर वाला आइकन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर टाइप कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस पर टाइप करने के बाद सिंपली आपको इस तरह इसको स्क्रॉल करना है। जो भी आपको यहाँ से कलर पसंद है उसको आपको चुन लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से कलर चूज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, कलर चूज करने के बाद सिंपली इसको इस तरह होने के बाद सिंपली आपको फ्रेंड्स यहाँ से फिर से इसको कलर एडजस्ट करने के बाद सिंपली इसके फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सिंपली आपको यहाँ सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड इसको थोड़ा जेपीजी को यहाँ पर पीएनजी में सेलेक्ट कराना है। उसके बाद डिफॉल्ट को यहाँ पर अल्ट्रा में सेव कराना है, क्योंकि फ्रेंड इसकी इस प्रकार सेटिंग करने पर इसकी क्वालिटी बहुत हाई आती है और इसको बहुत थोड़ा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, यहाँ से सिंपली आपको यहाँ सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर लोडिंग लेने के बाद इस तरह वही आपका फाइल में सेव हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से इस ऐड को कट कर देना। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को बंद कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं बंद करता हूँ। सिंपली फ्रेंड्स, बंद करने के बाद सिंपली आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लीजिए। सिंपली यहाँ से कैंसिल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फिर यहाँ पर लेयर जैसे ऑप्शन दिया है सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको फ्रेंड इसको थोड़ा यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से इसको सर्कल में चूज कर लेना है। सर्कल में चूज करने के बाद आपको यहाँ से इसको सही वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको सही से आपको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड, इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको फिर यहाँ से फाइल वाला आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से पीएनजी में सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिफॉल्ट को अल्ट्रा में कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको सेव टू गैलरी में क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे आप सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर लोडिंग लेने के बाद आपका यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप मैं यहाँ से अपना प्रोफेशनल लोगो आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना प्रोफेशनल लोगो बना दिया अपना यूट्यूब चैनल के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।